शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने कार को कंटेनर ट्रक से घसीट कर ले जाने के मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। इस दौरान उसने कार को टक्कर मारी और उसे करीब 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ये कौन सा वीडियो बनाने का शौक चल रहा है आप पागल पर का बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्री वेडिंग शूट के नाम पर वीडियो बनवाने वाले जोड़े और उसके साथ आए लोगों को ट्रैफिक डीसीपी ने खूब लताड़ लगाई। ये लोग दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर पटरियों पर बैठकर वीडियो शूट कर रहे थे। डेंजर जोड़े समझ में नहीं आता आप लोगों को। चलिए बगी जा डरिए। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में जल संसाधन विभाग के दफ्तर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वाहन मालिक अपना जब्त ट्रक छुड़ाने के लिए दफ्तर के मेन गेट पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर आई और वाहन मालिक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए नीचे जाल लगा दिया। कर्नाटक के बेलगाम में एक लोकल मैच में पकड़े गए अद्भुत कैच की काफी चर्चा हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि बल्लेबाज के शॉट खेलने के बाद फील्डर ने बॉल को रोकने की कोशिश की लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर हवा में चली गई, जिसके बाद फील्डर ने बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर फिर हवा में जंप लगाकर गेंद को फुटबॉल की तरह किक मारकर अंदर फेंका, जिसे दूसरे फील्डर ने कैच कर लिया। इसके बाद अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करा दिया। महाराष्ट्र के शिरडी में 14 किलोमीटर लंबी शिरडी परिक्रमा निकाली गई, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। साईं बाबा को मानने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि शिरडी परिक्रमा करने से जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं।